नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि CFM यानी कूलर फैन मोटर वाइंडिंग। तो दोस्तों, ये कूलर फैन 3 स्पीड का पार्ट 2 है और ये फार्मूला भी दूसरा है और पार्ट 1 में दूसरा फार्मूला दिया है और एक फार्मूला और है जो तीसरा फार्मूला है, तो पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। तो कई जगह से कमेंट आ रहे थे कि सर फार्मूला दीजिए कूलर फैन 3 स्पीड का, तो इस वीडियो से आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले, अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम कूलर फैन का 3 स्पीड बना के दिखा चुके हैं। तो वो एक तरह से एक वो है जो कि फास्ट काम करने का तरीका है, वो मतलब कि वो भी काम करेगा। और ये जो आज हम दे रहे हैं फार्मूला, तो ये भी काम करेगा। और एक फार्मूला और है तो उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में हम दे देंगे। तो ये है 24 स्लॉट में काम करेगा फार्मूला, और जो पहले हम दिए हैं कूलर फैन का वो भी 24 स्लॉट में ही काम करेगा। तो अब आपको देखना है कि कौन सा फार्मूला सही है और किस फार्मूले से आप काम जल्दी कर पाएंगे। वैसे फार्मूला तीनों काम करेगा, ठीक है। तो यह है 24 स्लॉट कूलर फैन 3 स्पीड में, ठीक है। फार्मूला तीनों काम करेगा और ये आपको देखना है। तो सबसे ज़्यादा समय जो लगता है वो इसी फार्मूले से लगता है, तो इस फार्मूले से समय वेस्ट होगा, समय ज़्यादा लगेगा। अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो आप इस फार्मूले को ना इस्तेमाल करके आप जो हम फार्मूला दे चुके हैं उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी काम करेगा, उससे काम जल्दी होगा। तो फार्मूला वो भी काम करेगा, फार्मूला ये भी काम करेगा। अब आपको कौन सा आसान पड़ता है वो आप खुद देख लीजिए और आप किससे काम करना चाहेंगे वो आप तय करिएगा। तो देखिए, ये जो है हमारा अंदर वाला, ये स्टार्टिंग है 4 कॉइल स्टार्टिंग के और 4 कॉइल रनिंग के। ये 1440 RPM में है, 1440, और जो फार्मूला हम दे चुके हैं वो भी 1440 का ही है। तो जो हम फार्मूला पहले दिए हैं उसमें हम स्टार्टिंग से निकाले थे, उसका हम ड्राइंग भी फिर भी हम दोबारा रिपीट कर देंगे, दिखा देंगे। तो स्टार्टिंग कॉइल से उसका हम निकाले हैं, और इसमें जो हम निकालेंगे 3 स्पीड इसका, तो हम इसमें निकालेंगे रनिंग कॉइल से। तो ये लाल, ये काला वाला दिख रहा है, तो ये हमारा स्टार्टिंग है SR, और ये जो है बाहर वाला, ये हमारा रनिंग है। तो हम इस ब्लू वाले से निकालेंगे, इसमें रनिंग कॉइल से। तो इसमें निकालने का तरीका है, जैसे मान लीजिए हमें 80 टर्न देने हैं, 80 टर्न का मतलब है 80 टर्न का माला बनेगा, और उसको जब हम लपेटेंगे इसके अंदर तो 8 × 24 हो जाएगा, ये कितना 240 टर्न। और वो जो हम फार्मूला सेलेक्ट करके दिए थे तो वो 300 टर्न पे दिए थे, तो ये 240 टर्न पे होगा, ठीक है। तो 240 टर्न पे ये कैसे होगा वो हम बता देते हैं। तो देखिए, आमने सामने का जो कॉइल बनेगा ये 100-100 टर्न के बनेंगे, 100 टर्न ये कॉइल ये वाली और 100 टर्न ये वाली आमने सामने। और फिर इसके ठीक सामने, आमने सामने जो कॉइल बनेगा वो 60-60 टर्न का बनेगा, यानी कि 60 टर्न ये 60 टर्न ये, क्योंकि हमें इसमें स्पेस चाहिए, जगह चाहिए हमें स्पीड कॉइल डालने के लिए। तो अब हमारी इसमें बच जाती है 40 टर्न का जगह हमें इसमें बचता है। अगर 40 में हम प्लस करेंगे, प्लस 40 करते हैं तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 40 टर्न का स्पेस चाहिए, तो यानी कि एक कॉइल हमें टोटल डाल देना है इसके अंदर। 40 टर्न यहाँ डालेंगे, 40 टर्न यहाँ डालेंगे, तो हो जाएगा हमारा ये भी 80, ये 100 हो जाएगा।
तो 100 टन का हमें जगह मिल गया। तो 100 टन का जगह मिल रहा है तो ये 100 टन पूरा हो नहीं रहा है, समझिए कैसे नहीं हो रहा है बताते हैं। तो 60 ये डाले और 60 ये डाले रनिंग का, तो बच गया ये हमारा, यहाँ पे डाल रहे हैं 100 और यहाँ पे डाल रहे हैं 100, तो 100 60। अगर इसमें से अगर 20 निकाल दें, 20 अगर इसमें प्लस करते हैं, इसका 20 इसमें प्लस कर दें, इसका 20 इसमें प्लस कर दें, तो हो गया 80, ये हो जाएगा 80, यहाँ बच जाएगा 80, यहाँ बच जाएगा 80, ये हो जाएगा, यानी कि 80 टर्न का हमारा टोटल रनिंग का माला बना। और ये 40 टर्न का जो है ये हमारा स्पीड कॉइल है, तो इसमें हम 20-20 टर्न के दो कॉइल डालेंगे। चलिए 20-20 टर्न के दो कॉइल बनाते हैं, ये हो गया 20 और ये हो गया 20, ठीक है। फिर यहाँ भी बनाएंगे 20-20 टर्न का दो कॉइल, 20 और ये हो गए 20, छोटा कॉइल बना रहे हैं ताकि समझ में आएगा 20-20 टर्न के, ठीक है। तो अब हमें जैसे कनेक्शन हमें निकालना है, जैसे कि हम सिंगल स्पीड का कनेक्शन बनाते हैं, तो सबसे पहले आप वो कनेक्शन बना लीजिए सिंगल स्पीड वाला, तब आपको समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चले और 1-3 का हमारा कनेक्शन है, ठीक है। तो 1, 2 और 3, तो ये हो गया हमारा 3। फिर यहाँ से चले हम यहाँ से, तो 1, 2 और ये 3, तो ये यहाँ पे होगा। फिर अब हम यहाँ से चलेंगे तो 1, 2 और 3, यानी कि ये यहाँ पे होगा कनेक्शन, सिंगल स्पीड का कनेक्शन बना रहे हैं अभी, ठीक है, तब समझ में आएगा। तो अब हमारी जो लीड निकल गई, एक ये निकली, मान लीजिए A1 हो गया, A1, और ये हमारा A2 निकला, ठीक है। अब हमारा ये लीड निकल गया, अब हमें स्पीड बनानी है। तो स्पीड हम कैसे बनाएंगे, तो स्पीड बनाने के लिए यहाँ से हम कोई सा भी एक कॉइल लेंगे और इसमें मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए हम चले, तो 1-3 का कनेक्शन है, तो 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पे आएगा। तो कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखाई देगा। तो 1, 2 और 3 ये होगा ना, 1, 2, 3 ये है, ठीक है। यहाँ पे चले, फिर यहाँ से चलेंगे 3 के लिए, 1 और 2 ये हो जाएगा 2, और ये यहाँ पे आके हमारा इस कॉइल में 3 होगा, ये कॉइल छोड़ देना है इस कॉइल में। यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से चलते हैं और आ जाते हैं 3 में, इस वाले कॉइल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये टर्न एक राउंड पूरा हो गया, तो एक राउंड पूरा हो गया तो एक लीड हमारा ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम चलेंगे, यहाँ से दूसरा वायर लेते हैं, नहीं तो इसे मिक्स हो जाएगा। तो 1, 2 और ये 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ से ले लेते हैं और ये हमारा यहाँ पे आया। और फिर यहाँ से जब हम चलेंगे तो 1, 2 और ये नहीं, अब इसका कनेक्शन नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक लीड हमारी यहाँ से निकल जाएगी, यहीं से निकलेगी एक लीड। तो इसको बाहर करते हैं,
ये निकल गई हमारी एक डेढ़, और एक यहाँ से दिख जाएगा, ये दो लीड निकल गए और एक लीड निकलेगा हमारा, डूब जाइए थोड़ा बड़ा करते हैं, दिख जाएगा। चलिए अब दिख रहा है, तो एक लीड हमारा निकलेगा यहाँ से, इसको हम कॉमन कर देंगे इसके साथ, ये कॉमन हो गया और एक लीड हमारा यहाँ से निकलेगा। ये देखिए 3 स्पीड हो गए हमारे यहाँ पे आके, तो ये 3 स्पीड हो गए, तो ये ब्लू वाला हो गया हमारा जो है हाई, यहाँ से हम सप्लाई देंगे तो हाई चलेगा, और ये हरा वाला जो है, हरा वाला ये हरा वाला जो है वो मीडियम का है, ये मीडियम स्पीड है, और ये जो है पीला वाला तो ये हमारा लो स्पीड है, तो एल यानी कि LMH, ब्लू हाई और हरा मीडियम और पीला लो, तो ये हमारे इधर से स्पीड हो गए। और अब क्या करना है, अब हमें कनेक्शन करना है स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग का जैसे आप कनेक्शन करते हैं वही एक टिन का कनेक्शन है, तो वही एक टिन का कनेक्शन करना है, तो इसको हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2 और ये 3, ये हो गए, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2 और ये 3, तो ये हो जाएंगे हमारे कनेक्शन, और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2 और ये 3, तो ये हमारे 3 कनेक्शन हो गए एक टिन के, और 2 लीड निकल के आए हमारे बाहर, तो एक लीड को हम यहीं पे कॉमन कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही करते हैं कनेक्शन, एक को कॉमन कर दिए और ये हमारा जो है कंडेंसर के लिए निकल गया, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कंडेंसर, और यहीं से रनिंग वाला जो है यहाँ से हम मेन बनाएंगे, तो इसको बाहर निकालते हैं तब समझ में आएगा, बाहर पहले निकाल लें। चलिए ये हमारे बाहर निकल गया एक लीड, और इसको भी निकालते हैं, मान लीजिए B2 है हमारा और ये B1 है स्टार्टिंग का, ध्यान रखिएगा, और इसको निकाल लेते हैं हम बाहर। तो यहाँ पे हमें लगाना है कंडेंसर, तो एक कंडेंसर बना देते हैं, कंडेंसर की 2 वायर हमें लगानी है, तो 2 वायर एक ही ले लेंगे यहाँ और एक ले लेंगे यहाँ पे कंडेंसर का वायर, ठीक है। अब हमारा जो मेन बनेगा वो यहाँ से बनेगा, ये वायर हमारा लाल वाला ये मेन होगा, चलिए इसको ला दिए मेन पे, तो हमारे 4 वायर यहाँ से बाहर निकल आए, ये हो गया कॉमन लाल वाला COM, ये कॉमन वायर हो गया, और ये हाई हो गया ब्लू वाला। दोस्तों कलर में जैसे कि हमारे पास जैसे था कलर वैसे हम बना दिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कॉमन में ब्लू ही लगाए, तो कनेक्शन हम सारा समझा दिए, और कलर कुछ भी हो सकता है, तो आप इस ड्राइंग को देख करके और इस ड्राइंग से अगर वर्क करेंगे तो आपका 3 स्पीड 100% काम करेगा, और स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले करके आप रख लीजिए अपने मोबाइल में, और जब भी जरूरत पड़े आप देख करके इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है कि ये वर्क तो करेगा लेकिन इसका टर्न कम है, देख सकते हैं टर्न कम है, और जितने भी ब्रांड फैन आते हैं कूलर फैन, जैसे सिम्फनी है और भी कंपनी है जो ब्रांड है,
और लोकल कंपनियां भी बनाती है तो स्टेटर बिल्कुल ब्रांड जैसा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जगह नहीं रहता है, जगह कम रहता है, तो इसलिए ये 60-40 का ही बनेगा कॉइल। ये 60 का ये बना, 60 का ये बना, और 100-100, तो इसी तरह से बनेगा। और ये टर्न कम हो रहा है, इसलिए कम हो रहा है कि उसमें जगह नहीं रहता है। अगर जगह रहता तो कम से कम इसमें हम 90 टर्न देते हैं, तो 90 टर्न देते तो हमारा हो जाता कितना, 10 टर्न। 10 टर्न इसमें बढ़ता, 10 टर्न इसमें बढ़ता, तो अगर बढ़ा के डालेंगे तो जगह नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका लाइफ भी कम होता है। तो आगे आपकी इच्छा आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और हमारा काम था बताना, हम बता दिए। और ये फार्मूला परफेक्ट काम करेगा। और टर्न बढ़ा के डालना है तो ब्रांड वाले में तो नहीं लगेगा, लोकल में लगेगा। लोकल में जैसे स्टैंड फैन है तो उसमें लग जाएगा, टर्न बढ़ा के भी देंगे आप तो टर्न बढ़ा के देंगे तो ये 60 का जो है तो ये तो सेम रहेगा। और इस दोनों में आप बढ़ा सकते हैं, इसमें भी इसमें भी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और डिमांड था कि सर कूलर का 3 स्पीड का कनेक्शन बताइए, तो एक तो बता चुके थे और ये दोबारा है, ये दूसरा है। और तीसरा जो कनेक्शन है 3 स्पीड का, तो अगले वीडियो में उसे भी हम बता देंगे। तो दोस्तों लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।